नमस्कार, जय बद्री विशाल। स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं आपका इस खास वीडियो में, दिल से अपनी बोली अपनी भाषा में। आज हम जानेंगे केदारनाथ और वो वहाँ के जुड़ी इतिहास के बारे में। हिंदू धर्म पुराण के अनुसार शिवजी ने प्रकृति के कल्याण हेतु 12 जगहों पे ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन 12 जगहों पे ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है, जिनमें से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम भी है। इन चार धाम पंच केदारनाथ एवं पांच केदारों में से एक है। पांच केदार में केदारनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, मध्येश्वर एवं तुंगनाथ इनमें शामिल है। केदारनाथ मंदिर भारत के अखंड राजा रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड हिमालय पर्वत के गोद में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए खुलते हैं और बाद में सर्दियों में भारी बर्फबारी के वजह से यहां आने का रास्ता बंद हो जाता है। केदारनाथ धाम हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस धाम के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा और विश्वास है। केदारनाथ मंदिर तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ 22,000 फुट केदारनाथ पर्वत है और दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड है। तीसरी तरफ 22,000 फुट ऊंचा भरतकुंड है। न तीन पर्वत बल्कि पंच नदियों का संगम भी है। यहाँ पर माना जाता है कि जिनमें पांच नदी में मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती, स्वर्णगौरी इनमें शामिल है। इन नदी में कुछ को काल्पनिक माना जाता है। इस इलाके में मंदाकिनी ही साफ तौर में दिखाई देती है। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान चोरीबारी का ग्रीष्मर कुंड है। मंदाकिनी के पास ही केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कही गई इसे 1000 वर्ष पुराना भी माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि यह मंदिर निर्माण पांडवों के वंशज जनमेजय द्वारा किया गया था। ग्वालियर से मिले राजा भोज के स्थित के अनुसार मिली 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज ने केदारनाथ मंदिर को बनवाया था। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार जिनोधर जगत गुरु आदि 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने करवाया था। 32 वर्ष की आयु में सन 820 ईस्वी केदारनाथ के समीप उनकी मृत्यु हुई। मंदिर के पिछले भाग में जगत गुरु शंकराचार्य की समाधि भी है। केदारनाथ को लेकर कथाएं भी प्रसिद्ध है। पहली कहानी के अनुसार केदारनाथ के शिखर पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि यहां पर तपस्या करते थे। उनकी आराधना से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनके प्रार्थना अनुसार उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप उसी स्थान पर असर आवास करने का वचन दिया। दूसरी कहानी के अनुसार माना जाता है कि महाभारत के युद्ध को जीतने के बाद पांडव पे वरत का पाप यानी परिवार के सदस्यों को मारने की हत्या का पाप लगा, जिससे पांडव मुक्त होने चाहते थे और भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे। भगवान शिव पांडवों के इस घातक हत्या से नाराज थे। भगवान शिव के दर्शन के लिए पांडव काशी गए पर उन्हें भगवान शिव नहीं मिले। पांडव भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते हिमालय तक पहुंचे। भगवान शिव सुन पहाड़ों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए भगवान शिव वहां से भी अंतर ध्यान हुए और केदार जा बसे। दूसरी तरफ पांडव भी अपने लग्न के पक्के थे और भगवान शिव का पीछा करते करते वहां से भी केदार पहुंच गए।
भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया और पशुओं के बीच छुप गए। पांडवों को इस बात का संदेह हो गया था, तभी भीम ने अपना विशालतम रूप धारण करके पहाड़ों पर अपने दोनों पैर रख दिए। सब देखकर गाय बैल भीम के पैर के नीचे से वहां से निकल गए, लेकिन शंकर जी के बैल के रूप में भीम के पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम ने अपने बल से बैल को पकड़ा, लेकिन तब बैल धरती में समाने लगा। तब भीम ने बैल का पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसी समय दर्शन दिए, पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शिव बैल की पीठ के आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए, उनके धड़ के ऊपर भाग काठमांडू में प्रकट हुए। अब वहां पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्येश्वर में और जगन ग्रह कल्पेश्वर में है प्रकट हुए। इसलिए इन चार स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव के भव्य मंदिर बने हुए केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा और 187 फीट चौड़ा है। यहाँ की दीवारें 12 फीट मोटी और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। यह मंदिर कत्यूरी शैली के आधार पर बनाया गया है। इस शैली के निर्हित मंदिरों के पत्थरों पर स्पेटिक सॉल्ट की मात्रा अधिक होती है। श्रद्धा विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर 3462 मीटर की ऊंचाई पर, यह मंदिर एक 6 फीट चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। यह हैरत अंगेज करने वाली बात है। इतने भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश के किस प्रकार मंदिर बनाया गया होगा? जानकारों का मानना है पत्थरों को एक दूसरे को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। यह मजबूती और तकनीकी मंदिर को बीचों बीच खड़े रहने में कायम बनाती है। मंदिर के मुख्य भाग में मंडप और गर्भगृह के चारों तरफ पर दगनचिन्ह पथ है। मंदिर के बाहर नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। श्री केदारनाथ मंदिर में उपस्थित दिव्या पंच शीश कलश भीतर से मोटे तांबर धातु तथा बाहर से स्वर्ण धातु से बनाया गया, जो कि वर्तमान समय में मंदिर में उपस्थित नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व वहां दिव्य कलश मनुष्य के लालच के भेंट चढ़ गया। वर्तमान में उस कलश के स्थान पर जम्बाल स्नेही स्थापित किया गया। मंदिर के प्राण द्रौपदी सहित 5 पांडवों की विशाल मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में नुकीली चट्टान भगवान शिव के सदा शिव के रूप में पूजी जाती है। केदारनाथ मंदिर के कपाट मेष प्रसंस्कृत संक्रांति से 15 दिन पहले खुलते हैं और अखंड संक्रांति के बलराज वाले रात को यहाँ पूजे जाते हैं। भैया दूज के दिन यहाँ सुबह 4 बजे श्री केदार घृत कमल के कपड़ों की समाधि के साथ कपाट ही बंद हो जाते हैं। कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ की 5 मुखी प्रतिमा को उखी मठ लाया जाता। उस प्रतिमा की पूजा यहाँ रावल जी करते हैं। जून 2013 में उत्तराखंड हिमालय प्रदेश से अचानक बाढ़ आ गई, उनके साथ ही भूस्खलन भी होने लगा। इससे अधिक प्रभावित केदारनाथ हुए। यहाँ आपदा इतनी भयानक थी कि यहाँ बने
आसपास होटल, धर्मशाला, सब कुछ आपदा अपने साथ बहा ले चली। लेकिन इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा सदियों पुराना घुमट सुरक्षित रहा। ये है भगवान शिव की आराधना, शिव की शक्ति कि जिस मंदिर को, जिसको बहुत से नुकसान हुआ, लेकिन भगवान के मंदिर में, शिव के मंदिर में एक भी क्रोच नहीं आई, एक भी तिनका नहीं हिला पाए। तो ये है श्री केदारनाथ धाम की कथाएं।